Hi viewers, this is Fatima. If you like my recipes, go ahead and click on the subscribe button. Next to it, you will see a bell icon. By clicking on that, you will get notifications for my recipe first and free. If you like the videos, give me a thumbs up. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फातिमा। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक बीन एवोकाडो बुरीटो। बेसिकली ये रेसिपी मैक्सिकन्स में बहुत ही फेमस है, बहुत ही शौक से खाई जाती है, जिसको हम यहाँ पर ब्लैक बीन एवोकाडो बुरीटो कहते हैं। तो चलें इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, 1 मीडियम एवोकाडो लिया है मैंने, इसको छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर लिए, 4 टेबल स्पून सावर क्रीम लिए, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, 1 हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है मीडियम साइज की, 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च लिए, 2 टेबल स्पून कैरेट्स लिए जिसको चॉप कर लिया स्क्वायर पीसेस में, 1 मीडियम टोमेटो लिया है मैंने जिसको चॉप कर लिया स्क्वायर पीसेस में, 2 टेबल स्पून सिलेंट्रो लिया है इसमें। टॉर्टिला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर आप चाहें तो उसको किसी और चीज़ में भी बना सकते हैं नान में, मगर बेसिकली जो मैक्सिकन जो ये फेमस रेसिपी है इसको सिर्फ टॉर्टिला में बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने 440 ग्राम्स ब्लैक बीन्स लिए हैं। स्पाइसेस में यहाँ पर यूज़ करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। तो चलो इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बीन्स को पैन में डाल के इसमें चीज़ें डाल के फ्राई कर लेना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले पैन को रख के इसका फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल को डालेंगे। इसके बाद इसमें हम यहाँ पे हरी मिर्च को डालेंगे। शिमला मिर्च को डालेंगे, कैरेट्स डालेंगे, तो मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा स्टेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे वेजिटेबल थोड़ी सी स्टे हो गई हैं, इसमें हम ब्लैक बीन्स को डाल देंगे। तो साथ ही हम यहाँ पे इसमें स्पाइसेस को डाल देंगे। कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम बीन्स को 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे बीन्स रेडी है, हम यहाँ पे इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। जब तक बीन्स हमारा ठंडा हो रहा है हम इसके साथ एवोकाडो सालसा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम एवोकाडो सालसा तैयार करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एवोकाडो को डालेंगे, टोमेटो और हरा धनिया को डाल देंगे, इसके बाद इसमें हम लेमन जूस डालेंगे, 1 टीस्पून नमक को डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये एवोकाडो सालसा तैयार है हमारा। साथ ही यहाँ पे हमें सावर क्रीम में हॉट सॉस को डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये सॉस तैयार है। यहाँ पे टॉर्टिला को हमने इस तरह से रख के इसके अंदर हमें इस सॉस को पहले लगाना है।
साथ ही इसमें मैं थोड़े से आइस कर्ड को रखूंगी, ब्लैक बीन्स को डालेंगे, हम एवोकाडो सालसा डालेंगे, उसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। हमने फोल्ड कर लिया, इसी तरीके से हम दूसरा भी बना, इसी तरीके से हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम यहाँ पे बुरीटो को इस तरह से एक पैन पे रख देंगे, तो थोड़ा सा सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमने बुरीटोस को निकाल लिया प्लेट में, अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्लैक बीन एवोकाडो बुरीटो रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। यकीन करें आप, जो मैं बाहर से लेती हूँ सैंडविच, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बना है। आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।